दोस्तों क्या आपको पता है फैक्ट्री में माचिस कैसे बनती है और माचिस बनाने के लिए किन किन तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में माचिस बॉक्स कैसे बनते हैं। दोस्तों माचिस बनने की शुरुआत होती है पॉपुलर यानी चिनार के पेड़ों को काटने से, क्योंकि माचिस की तिल्ली मुख्य रूप से पॉपुलर की लकड़ी से ही बनती है। इसके लिए इसे जंगलों से नहीं काटते बल्कि किसानों द्वारा इसकी खेती की जाती है और जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इन्हें काटकर ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में भेजते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले कटिंग एंड डिबार्किंग प्रोसेस होती है, जिसके लिए इस लकड़ी को आरा मशीन की सहायता से छोटे छोटे गुडलोग यानी लकड़ी के लट्ठों में काट लेते हैं। इसके बाद खास औजारों की मदद से पेड़ की छाल उतारने का काम करते हैं, जिसे डिबार्किंग कहते हैं। अब हमें जो छिली हुई लकड़ी मिली है उसे वुड पिलिंग मशीन में लगाते हैं। ये मशीन घूमते हुए लकड़ी के ब्लॉक को छीलती जाती है और छील कर एक लंबी परत में बदल देती है। इस तरह से ही लगातार लकड़ी की लंबी सीट बनती जाती है। बहुत सारी लकड़ी की सीटों को एक के ऊपर एक जमा कर इस स्प्लिंट्स चॉपर मशीन में भेजती है। ये मशीन इसको काट कर लकड़ी की तिलियों में बदल देती है और लगातार तिलियां बनती जाती है। इस तरह से कटी हुई तिलियां हमें मिल जाती है, लेकिन ये गीली होती है क्योंकि इन्हें गीली लकड़ी से बनाया जाता है। इसीलिए इन्हें कन्वेयर की सहायता से स्टीम बाथ टैंक में भेजते हैं, जहां पर थोड़े समय के लिए इन्हें गर्म भाप से गर्म करते हैं। स्टीम देने के बाद फिर कन्वेयर के द्वारा इसे घूमते हुए रोटेटिंग ड्राइवर मशीन में भेजते हैं, जहां पर इन तिलियों को गर्म करके घुमाया जाता है, जिससे ये जल्दी सूख जाती है। इस प्रोसेसर के बाद ड्रायर से सूखी हुई तिलियां बाहर आती है। और आगे बढ़ने से पहले हम उन केमिकल कंपाउंड की बात कर लेते हैं जिनके रिएक्शन से माचिस की तिलियों में आग लगती है। इसके लिए दो तरह की केमिकल पेस्ट बनाई जाती है। पहला माचिस की तिलियों के लिए, इसमें मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट में सल्फर फिलर बाइंडर और कलर पाउडर आदि मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करते हैं। दूसरा माचिस की डिब्बियों के लिए हम रेड फॉर्स पुर्स बाइंडर्स और फाइन ग्लास पाउडर को मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करते हैं। अब जो सूखी तिलियां हमें मिली थी उन्हें सोर्टिंग कन्वेयर पर भेजते हैं, जो इसमें मौजूद खराब तिलियों को अलग कर देता है। वहां से फिर ये ऑटोमेटिक टिपिंग लाइन में पहुंचती है, जहां पर ऑटोमेटिक फीडर मशीन लाइन से जाती हुई स्टील प्लेट में तिलियों को लगाती जाती है। इन स्टील प्लेट्स में पहले से तिलियों के लिए छेद होते जिसमें तिलियां फंस जाती है और ये स्टील प्लेट्स एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़ी होती है। इस तरह लाखों तिलियां स्टील प्लेट के सॉकेट में फिक्स हो जाती है। अब जो तिलियों के लिए हमने पेस्ट बनाया था उसे डिपिंग ट्री में डालते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई तिलियां डिपिंग ट्री के पास पहुंचती है, जहां पर स्टील प्लेट में लोडेड थी। तिलियों के सिरे को डिपिंग ट्रे में मौजूद पेस्ट में डुबाकर निकाल लेते हैं, जिससे इन पर पेस्ट लग जाता है। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और साथ साथ सूखती भी जाती है, जिसके लिए पंखों से हवा दी जाती है। और जब ये तिलियां अच्छे से सूख जाती है तब इन सूखी हुई तिलियों को स्टील कन्वेयर से निकाल लेते हैं और इसे निकाल कर कंटेनर बॉक्स में इकट्ठा कर लेती है। अब माचिस की डिब्बी बनने का काम होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना डिब्बे के आप तिलियों को नहीं जला सकते। इसके लिए सबसे पहले ब्रांडिंग के अनुसार पेपर शीट्स पर डिजाइन प्रिंट करते हैं, फिर इन शीट्स पर माचिस की डिब्बी वाली पेस्ट को लगाकर उसकी घिसने वाले हिस्से को प्रिंट किया जाता है। इसके बाद इन शीट्स को ऑटोमेटिक मशीन द्वारा कट किया जाता है और एक दूसरी मशीन द्वारा ग्लू लगाकर इन्हें होल्ड करके माचिस की ऊपरी खोल को तैयार करती है। ठीक इसी प्रकार प्लेन पेपर शीट्स को ऑटोमेटिक मशीन द्वारा कट और फोल्ड करके माचिस के अंदर की डिब्बी बनाई जाती है, फिर एक इंसर्ट इन मशीन इन दोनों को फिट करके खाली डिब्बी बना देती है। अब इन डिब्बियों को मैच बॉक्स फिलिंग मशीन में भेजते हैं, जहां पर सबसे पहली तैयार माचिस की तीलियों से भरी बॉक्स को मशीन में लोड कर देते हैं। यह मशीन पहले माचिस के बॉक्स को आधा खोल देती है, फिर एक ऑटोमेटिक फीडर इसमें फिक्स गिनती की तीलियां भरता जाता है। इसके बाद इन्हें ऑटोमेटिक मैकेनिज्म द्वारा बंद कर दी जाती है, फिर ऑटोमेटिक मशीन द्वारा इन्हीं 5 या 10 के सेट में रैपर में पैक करते हैं। कुछ इस तरह से बनती है माचिस।